आमतौर पर क्या होता है कि अच्छा वी आर नूब्स जाग रहे हो अभी कुंदन कुमार भी। बेसिकली क्या है कि अपनी जो रेगुलर स्टडीज़ है उसके बाद में अभी थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, खुद को पुश देना पड़ता है कभी कभार, ठीक है ना। सो रात में ये बेसिकली वो पुश वाला सेशन टाइप ही है कि जब थकान लग जाती है, मन नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन फिर ये होता है कि यार नहीं पढ़ा जाए। तो उसमें क्या रहता है कि ऐसे अगर सेशन चला लो, कोई देखने वाला सामने बैठा हुआ हो, तो मजबूरी में आदमी पढ़ता है। सो वही करने जा रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। और उसकी एक वजह भी है, मोटा मोटी थोड़े से फंडामेंटल्स लेंगे। ट्विटर देख रहे थे तो ट्विटर पे कुछ स्टॉक्स आ रहे थे, तो देखते हैं ज़रा फंडामेंटल्स पे डेटा कैसा है उनका, ठीक है, और उनमें से कितने अपने पास में पड़े हुए हैं ये भी देखते हैं। चलो देखें क्या है। ये बेसिकली था सबसे पहला ट्विटर हैंडल जो मिला है, PR फिटकिंग है। ये कह रहे हैं कि स्टॉक्स बिलो ₹100 लेवल विच हैव रोस 20 ग्रेटर देन 20% और ROE 20% से ज़्यादा का, ठीक है। इसका मतलब है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ज़्यादा का है और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 20 से ज़्यादा का है, तो ये एक जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये थोड़ी मज़ेदार है, ठीक है। अब इसमें वो स्टॉक्स जो हमारे पास में नहीं है, जैसे अशोका बिल्डकॉन, इन्होंने बोला कि भाई अशोका बिल्डकॉन है इनके पास में, और अशोका बिल्डकॉन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी है तो देखते हैं पहले हमारे पास है या नहीं अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना। नहीं है तो चलो फिर इसको देखें ज़रा क्या है आखिर इस कंपनी के पास, ठीक है। मोटा मोटी देखते हैं, अगर कंपनी का डाटा आउटस्टैंडिंग हुआ तब तो फिर एनुअल रिपोर्ट भी उठाएंगे थोड़ी बहुत, और नहीं तो फिर यही डाटा लेके और एनुअल रिपोर्ट लेके रख लेंगे। अरे जितेंद्र सर आप भी जाग रहे हो क्या? जतिंदर से बहुत दिनों के बाद दिखे। मोटा मोटी देखते हैं ज़रा, ठीक है ना, क्या है क्या कंपनी में। एक बार कंपनी का वेबसाइट भी खोल लेते हैं। चलो मार्केट कैप 2500 करोड़ का, ठीक है। पी बहुत सस्ता है, रोस ठीक है 20, ROE 53 का है। फेस वैल्यू बहुत मैटर नहीं करती है, मार्जिन्स अच्छे हैं यार, 30 का मार्जिन है, ठीक है ना। प्रॉफिट ग्रोथ बड़ा शानदार हुआ एकदम से 150% के करीब, और सेल्स ग्रोथ 11-12% का है, ठीक है अभी देख लेंगे। प्राइस टू अर्निंग ठीक है, बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग 54% है, सेल्स ग्रोथ तकरीबन 18% और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 साल का 63% के करीब, दैट इज़ गुड, मतलब बहुत बुरा नहीं है, ठीक है गुड। अभी थोड़ा सा वेबसाइट खुलने में टाइम लगा रहा है, तब तक और थोड़ा सा देखते हैं डेटा। चार्ट्स थोड़ी सी हालत ख़राब है, कोई बात नहीं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 40%, चलो ये चीज़ अच्छी है। गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है 3 साल का, ROE। वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर आ रहा है? सो इट रिमाइंड्स ऑफ एक्रेसिल। हाँ एक्रेसिल चावला सर ने दिया था, तो रात में पढ़ते समय ये एक्रेसिल मिला था इसे ही। एक्रेसिल की कहानी तो बहुत ही अच्छी थी, मतलब चावला सर को जितना थैंक्स बोला जाए उतना कम है। बेसिकली सेम रूम में वाइफ और बच्ची सो रहे हैं। दो द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग ऑफ डिविडेंट। डिविडेंट चाहिए भी नहीं। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम। ये थोड़ा सा एक इशू है, अर्निंग के अंदर अगर अदर इनकम हटा के उसके बाद तब फिर देखते हैं कि कितना आखिर है। और पीयर्स के अंदर भाई L&T है, जाहिर है। फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट, हमको प्रोजेक्ट दिखा दो बस अपने, ठीक है ना। हाईवेज एंड ब्रिजेज में है कंपनी, पावर रेलवेज बिल्डिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर। अगर इतने सेक्टर के अंदर है तो फिर ये देखना बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अभी देखना तिजोरी में, बड़ा इंपॉर्टेंट है तिजोरी का ये फीचर जो है ना, बहुत अच्छा है। कैश फ्लो में दिक्कत है इनकी, ओके अभी देख लेते हैं। तिजोरी का ये बहुत बढ़िया है, जैसे देखा ना कि वेबसाइट के ऊपर आप देखो कि इनके मल्टीपल बिजनेसेस दिखाई दिए, तो तिजोरी तुरंत इनका जो रेवेन्यू है ना वो दिखा देता है तुरंत कि भाई कहाँ कहाँ से कितने कितने जो है इनके मतलब जो रेवेन्यूज है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ से 51% के करीब है, और ज़्यादातर इनका जो बिज़नेस है वो कंट्री के अंदर ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप में कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्ट से तकरीबन 80% ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहीं से आ रहा है, दैट इज़ गुड। रोड और EPC, रोड प्रोजेक्ट, पावर T&D, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से तकरीबन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत नहीं है, 6.5 है। ज़्यादातर इनका रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ही है, दैट इज़ गुड।
अब ज़रा चलो नीचे आते हैं, थोड़ा टॉप लाइन बॉटम लाइन देखते हैं। सेल्स 2300, 2800, 3000, 3600, 5000, 5000, 5000, 5700, ठीक है। सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट 473, 900, 1100, 1300, 1500, दैट्स गुड। मार्जिन्स यार अच्छे हैं, मार्जिन गुड, 20, 30, 33, अरे 30%, मतलब अगर एवरेज निकालो इसका तो करीब, यहाँ से देख लो 2016 से देख लो तो करीब 30%, जबकि 16, 17, 18 वो पर्टिकुलर ईयर था जिस ईयर में मार्जिन ज़्यादातर कंपनियों के कम हुए थे, है ना। 17, 18 वो था, 9 क्वार्टर्स लगातार ख़राब हुए थे। अदर इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है, अब अदर इनकम के कंपैरिजन में इंटरेस्ट, भाई ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट तो होगा ही, मतलब कंपनी के पास में इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, उसकी वजह है कि लोन लेके ही करती हैं कंपनी ज़्यादातर काम। अदर इनकम 147 करोड़, अरे नहीं, ना ना ना, कोई मतलब ही नहीं है। अदर इनकम अगर हटा दोगे तो कितना, 150 करोड़ हटा दो इसमें से तो 150 करोड़ ही बचा यहाँ नीचे, वहाँ 100 करोड़ हटा दो 65 करोड़ बचा, तो 65 और 150 और 600, ये है 500, ये हटा दो तो 195। हालांकि हाँ, 3 सालों में 2020-21 और TTM में ग्रोथ तो हुई है, मतलब यहाँ पे तकरीबन ये आएगा करीब, अदर इनकम अगर हटा दोगे इसमें तो ये आएगा 50 करोड़ के लगभग, 60 करोड़ के लगभग, देन 60 करोड़ के बाद ये आएगा करीब करीब 150, 150 के करीब ये आएगा, तो 60 और 150, 60, 150 और उसके बाद 200 ग्रोथ तो है पिछले 3 सालों में, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अदर इनकम का पार्ट बहुत ज़्यादा है और अदर इनकम रेगुलर है इनकी, और इधर बीच तो ये ज़्यादा ही हो गई, तो मतलब अगर इतनी ज़्यादा अदर इनकम्स हैं और अदर इनकम अगर हटा दोगे तो फिर खैर ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर देख लेते हैं, कैश रिजर्व कंपनी का ठीक है, लोन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब लोन कितना बढ़ा है, 4600 करोड़ है, 6000, 7000 करोड़, 4600 करोड़ से 7000 करोड़, और कैश रिजर्व कंपनी का कितना बढ़ा है, मतलब 3300 करोड़ से बढ़ के 400 करोड़ से बढ़ के 600, 50% के करीब उधर बढ़ा है, और 527 लगभग 50% इधर बढ़ा है, दोनों मोर और लेस एक ही जैसे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है बट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। कैश फ्लो तो खैर नहीं मिलेगा, 2500 करोड़ का मार्केट कैप है, 2500 करोड़ के मार्केट कैप में फ्री कैश फ्लो कहाँ मिलेगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा फ्री कैश फ्लो की उम्मीद नहीं करनी है। रेशियोज़ कंपनी के, वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव में है, दैट्स गुड, कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव में है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, और वो भी स्पेशली 2018 से थोड़ा सा ग्रोथ किया है इन्होंने, अच्छा है, इट्स गुड, री रेटिंग होना चाहिए इसके अंदर। प्रोमोटर्स बाई नहीं कर रहे हैं अभी इस समय, DII के पास ज़्यादा है, तो अगर हम गलत नहीं है तो शायद इसके अंदर बैंक्स होने चाहिए DII में, देखते हैं ज़रा, बैंक्स हैं क्या, HDFC ट्रस्टीज़ है, ICICI प्रू है, SBI मैग्नम है, अच्छा बैंक्स नहीं है ज़्यादा, ICICI प्रू है, निपॉन इंडिया है, पब्लिक ठीक है, मोटा मोटी अच्छा है। नेगेटिव में क्या चीज़ जा रही है, नेगेटिव में एक चीज़ जा रही है कि कंपनी का जो अदर इनकम है सबसे ज़्यादा वो, प्लस जो इनका रिटर्न है नेट प्रॉफिट, ये जो है तकरीबन 16, 17, 18 के करीब 19 तक नेगेटिव में रहा है, तो इन तीन चीज़ों को अगर हटा दो आप तो बाकी कंपनी, मतलब वही है कि 2 गुना 3 गुना अगर चार्ट पैटर्न बढ़िया मिल जाएगा तो 2-3 गुने के लिए कंपनी रखी जा सकती है, वरना नहीं, हटा दो छोड़ दो, कोई डॉक्टर नहीं बताएं उठाने के लिए, ठीक है। अशोका बिल्डकॉन के बाद इसमें से राणा शुगर, राणा शुगर और देखते हैं ज़रा, देखो भाई 2 ईयर्स में आज पहली बार आस्क अंकित, ये क्वेरी का टाइम नहीं है इस समय ना, तो बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है, थैंक्स फॉर स्टडीज, थैंक यू ब्रदर, ठीक है, क्वेरी का टाइम नहीं है, सिर्फ शांति से बैठे रहो, देखते रहो, ठीक है। ये हम क्वेरी के लिए इस समय बिल्कुल नहीं आए, पता चले यहाँ भी अभी क्वेरी शुरू कर दो आप लोग। राणा शुगर कायदे से याद नहीं हमको, कोठारी शुगर एक याद है, अच्छी कंपनी थी शुगर सेक्टर के अंदर, जो हम लोगों ने मतलब ढंग से उठाई थी पढ़ने के लिए, ठीक है। 550 करोड़ का मार्केट कैप है राणा शुगर का, देखें ज़रा क्या है खास चीज़ इसके अंदर,
बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको ये जानने के लिए कि कंपनी पढ़ने लायक है या नहीं, उसके डेटा से पता चल जाता है ना। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बेसिक है ये, ठीक है। इसको भी अगर पकड़ के रखोगे तो भी समझ लो कि अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी। हिमांशु सर आप भी ठीक है। 550 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, कंपनी छोटी है, बट जो 550 करोड़ के मार्केट कैप में ही कंपनी मल्टीबैगर होती हैं, ठीक है ना। मतलब 200 करोड़ 300 करोड़ में अगर कंपनी मिल जा रही है ना, तब तो मज़ेदार है, नहीं तो फिर नहीं है, ठीक है। स्टॉक पी ठीक है, 3.5 का है, रोस अच्छा है, 20 का है, आरओई 28 का है। अभी जैसे एक चीज़ देखो मज़ेदार थी ना कि मतलब जैसे ये ट्वीट है पर्टिकुलर, ठीक है। अब इसमें 20 का आरओई और 20 का जो है रोस देख के मतलब कोई भी एक्साइट हो जाएगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी कंपनी होगी, लेकिन जब अंदर घुसोगे थोड़ा सा डेटा देखोगे तो समझ में आ जाता है यार कि मतलब हर जो पीली चीज़ होती है सोना नहीं होती है, कहीं कहीं टॉयलेट भी होती है, ठीक है। ओपीएम 14.5% का है, ठीक है। क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, रोस ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ 250% की है बट सेल्स ग्रोथ नहीं। देखो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल्स ग्रोथ अगर नहीं हो रही है ना, यूपीएसआई का रिजल्ट आया है 120 सही थे, 121 कट ऑफ है, फेल हो गए तो सर की लर्निंग लेने हैं। कोई बात नहीं ब्रदर, हो जाएगा, अब की बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम सही, ठीक है ना। और हम मजाक में नहीं कह रहे हैं, सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर्स का एग्ज़ाम 2 बार फेल हो चुके हैं हम, ठीक है ना, सो डजेंट मैटर। और आर्मी के 3 बार इंटरव्यू से बाहर हैं, डजेंट मैटर। विच फिल्टर्स शुड बी यूज, तो फिल्टर नहीं है, सीधे सीधे बस ये देखें। देखो सेल्स ग्रोथ अगर नहीं है ना, तो यहीं से सारा कहानी यहीं ख़त्म हो जाता है, इसके पार जाने का मन नहीं करता है भाई। सेल्स ग्रोथ तुम यार 15-18% के ऊपर अगर नहीं दे रहे हो तो कोई मतलब थोड़े है इसका यहाँ बैठने का। बट ठीक है चलो एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोठारी शुगर आ रहा कि एक अच्छी कंपनी है, बट ठीक है राणा शुगर देख लेते हैं क्या क्या बनाते हैं भाई ये प्रोडक्ट्स में। शुगर है, अल्कोहल है, पावर है और कैटल फीड है। तो इनका एक तो शुगर भाई जाहिर है कि राणा शुगर है तो ये करेंगे ही, और शुगर का उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनमें मतलब क्या है, कैप्टिव पावर प्लांट टाइप बनाए होंगे ये लोग। उसकी वजह क्या है कि शुगर के अंदर मतलब जो जो वो ड्राई शुगर केन हो जाता है ना, वो एज ए ईंधन यूज़ होता है, तो उससे छोटे कैप्टिव पावर प्लांट लगा देते हैं ये लोग, देन उससे पावर जनरेट करते हैं। कैटल फीड वही बाई प्रोडक्ट है जो कैटल फीड के तौर पर इस्तेमाल होता है। और उसके बाद अल्कोहल वाला पार्ट देखें जरा, ये क्या बनाते हैं आखिर। ऐसी डिस्ट्रिक्ट यूनिट आर एस एल राणा शुगर लिमिटेड ऑल्सो मार्केट लीडर इन पंजाब मीडियम लिकर सेक्टर। द कंपनी हैज़ पोर्टफोलियो वेल इस्टेब्लिश लिकर ब्रांड्स, आर एस एल ऑल्सो प्रिफर्ड बॉटलर फॉर सेवरल लीडिंग लिकर ब्रांड्स। द एल्कोहल इज प्रोड्यूस फ्रॉम बोथ मोलेसिस एंड ग्रेन, मोलेसिस द बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर दैट कैन बी दैट वी नो, ठीक है। फैसिलिटीज़ चलो एक बार डेटा में देखें ज़रा, फिर उसके बाद बताते हैं अगर यहाँ कुछ और है क्या, कौन कौन सी कंपनियों के लिए ये लोग बॉटलिंग करते हैं, अगर ये बदल जाए तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। रेवेन्यू स्प्लिट जो है वो 63% शुगर से आता है इनका, डिस्टिलरी से 26% है और 11% पावर से है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एथेनॉल प्रोडक्शन इन्होंने इंक्रीज़ किया है 520 लाख लीटर से बढ़ाकर 750 लाख लीटर। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ठीक है, डिस्टिलरी ऑपरेशन से एक बार देखें, 80 किलो लीटर पर डे कैपेसिटी है। बी हैवी मोलेसिस टू प्रोड्यूस एथेनॉल दैट अलाउज टू फर्दर रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन क्रिस्टल शुगर। शुगर फ्रॉम बीट रूट, बीट रूट इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, फोकस है एथेनॉल के लिए। चलो ठीक है, अब डेटा में ही सब कुछ डेटा में ही आएगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अच्छा अनयूजुअल रनअप है कंपनी में। स्टॉक पी मतलब ये देखो चार्ट इतना शानदार है, इसके बावजूद पी अभी भी 3.5 का है, दैट इज़ गुड। प्राइस टू बुक 1.5 का है, कंपनी बहुत सस्ती अवेलेबल है अभी भी। अब सेल्स ग्रोथ देखते हैं कि इनका ईयर ऑन ईयर क्या है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड इट्स डेट, बढ़िया खबर है ये, री रेटिंग होने का चांस है कंपनी के अंदर, ठीक है। और सेकंड है कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 38% CAGR। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, टॉप लाइन की ग्रोथ बताओ। दो तो कंपनी हैज़ रिपोर्टेड डिविडेंड नहीं चाहिए,
डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, ये देखो 5 साल में सेल्स ग्रोथ बहुत कम हुई है, ये गड़बड़ है। अगर सेल्स ग्रोथ अच्छी हुई होती ना तो ये 3 के PE पर नहीं चल रहा होता अभी। PE 10 वर्ष का होता, 10 का PE का मतलब है ये कंपनी कम से कम 120 रुपये के आसपास चल रही होती। प्रमोटर होल्डिंग कम है, 22% के करीब है। चलो देखते हैं ज़रा क्या है। सेल्स कंपनी की मतलब 800 करोड़ से बढ़ के 1600 करोड़ करीब होने वाली है, तो पिछले 6 सालों के अंदर कंपनी की सेल्स डबल होने वाली है। 2017 से अगर कंपेयर करेंगे तो 40% या 30% के करीब जंप हुआ है सेल्स में, जो कि बहुत कम है। मतलब 7, 3, 10, 5, 5 साल में 30% का जंप सेल्स के अंदर बहुत कम है ये, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, दैट इज़ गुड। 80 करोड़ से बढ़ के अगर 17 से देखोगे तो तकरीबन 8 त्रिक 24, हाँ 8 त्रिक 24 करीब 3 गुना, और यहाँ से देखेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज़ गुड। मार्जिन्स हमेशा कम रहेंगे, शुगर इंडस्ट्री के मार्जिन्स कम ही रहते हैं, बट एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंसिस्टेंटली मार्जिन्स बढ़े हैं। क्या ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर रहे हैं स्टैटिक? 9, 4, 2.5, 1, 9, 17, 17, 8, 10, दैट्स गुड, ठीक है। अदर इनकम, अरे यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। चलो इंटरेस्ट कॉस्ट देखते हैं कंपनी का। इंटरेस्ट कॉस्ट देखो घटाया है इन्होंने, इसका मतलब है कि लोन कम किया है, दैट्स गुड। नेट प्रॉफिट लॉस में रही है कंपनी, उसके बाद अभी 3 सालों से, 2 सालों से कंपनी प्रॉफिट के अंदर आई है, लेकिन इसमें से अदर इनकम हटाने वाली है। और 231 करोड़ में से अगर अदर इनकम हटा दो, मतलब 266 करोड़ में से अदर इनकम हटाओ 231 करोड़, तो कितना बचा इसके पास? 30 करोड़। 1300 करोड़ का धंधा करके कंपनी 30 करोड़ रुपये बचा रही है। इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना बचा? 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के पास में, हैं 1300 करोड़ का धंधा करके 30 करोड़ रुपए कंपनी अपनी जेब में रख रही है। यहाँ 1200 करोड़ रुपए का धंधा करके ये अदर इनकम कहाँ गई? ये रही 77 करोड़, हटा दो तो 70 करोड़ बचा केवल। 1200 करोड़ का धंधा करके 70 करोड़ अपनी जेब में रख रही है, तो 12 36 12 4 48 12 5 60, 12 6 72, 6% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ से उठा के लाए हैं। चलो थोड़ा बहुत और देखते हैं क्या है। कैश रिजर्व ठीक है, बढ़ रहा है कंपनी का, और कंपनी ने अपनी बरोइंग्स कम की हैं। मेन सारा इशू कहाँ से आ रहा है? कंपनी का टॉप लाइन नहीं बढ़ने की वजह से इशू आ रहा है। फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है बीच बीच में, कहीं कहीं अच्छा है। ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि कंपनी रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशंस कैश फ्लो जनरेट कर रही है, दैट इज़ गुड। कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का नेगेटिव में है, दैट इज़ गुड। रोस जो है ना वो बहुत अनयूजुअल है, मतलब कभी 1% कभी 5% कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई अभी, कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं है इस कंपनी के अंदर हाथ डालने का। देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है ये, देख रहे हो। और यहाँ प्रॉब्लम आती है, मतलब आधी रात में, अयान सर प्लीज़ टेल द नंबर इन इंग्लिश, ओके प्रसाद सर विल टेल द नंबर इन इंग्लिश। मतलब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सामने कि आप आधी रात को कंपनीज स्टडी करने बैठते हो, ठीक है, और आप केवल रोस और ROCE की बेसिस पे आपको लगेगा कि यार कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी होगी। लेकिन जब अंदर घुसते हो कंपनी का डेटा देखते हो तो आपको पता चलता है कि क्या वाहिया चीज़ है। इसीलिए मतलब इतना आसान नहीं होता है आउटस्टैंडिंग और मल्टीबैगर्स ढूंढना। आप किस्मत है कभी आप 20-25 कंपनीज डालते हो उसमें कहीं एक आध मिल जाती है, और कई बार तो 5-6 कंपनीज डालो और उनमें 3-4 मिल जाती हैं अच्छी, तो ढूंढना पड़ता है डेटा खूब कस के, मतलब है। और 16 पॉइंट्स हैं केवल, रोस और ROE इस बात की गारंटी नहीं है कि कंपनी बढ़िया होगी। आप डालने को आप पैसा डाल सकते हो इसके अंदर, देखो चार्ट पैटर्न बढ़िया है, ये चार्ट देखो अच्छा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, हायर हाईज हायर लो है, कंपनी सस्ती है सबको मालूम है, लेकिन भैया मतलब फंसने वाली चीज़ है, वैसा नहीं है। एफल टाइप डेटा नहीं है, या आप कहो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट टाइप डेटा नहीं है, या कुठारी शुगर जैसा डेटा नहीं है, या मोल्टेक पैकेजिंग जैसा डेटा नहीं है कि कंपनी खरीदने के बाद में आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सको, ये नहीं है। और जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई मतलब ही नहीं है। देन पशुपति एक्रिलन, एक मिनट, ये कंपनी शायद हमको लग रहा है हमारे पास में है, शायद एक बार देख लें ज़रा डेटा में। अभी देखो पीछे से पुश मिल रहा है ना, तो हमको मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। पशुपति नहीं है अभी तक, ये कंपनी नहीं पड़ी हमने, वाइट कैटेगरी में तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं ज़रा। लेकिन ये कि मज़ा आता है इस तरह का काम होता है तो मज़ा आता है थोड़ा सा। पशुपति नहीं है ब्रदर, इसको एक बार देखते हैं ज़रा, ठीक है ना। पशुपति है, पशुपति। अरे कंपनीज इस समय आपके अकॉर्डिंग भैया मल्टी बैगर कंपनी क्या होनी चाहिए? आपके अकॉर्डिंग में मल्टी बैगर कंपनी क्या होना? मल्टी बैगर कंपनी देखो
जितने भी न्यूकमर्स बैठे हो ना, चलो एक चीज़ दिखाते हैं आपको, पशुपति एक्लॉन्स देख लेंगे अभी। इसका डेटा देखो, इस कंपनी का डेटा देखो इसका। ये सेल्स है 200 करोड़, 250, 250, 250, 300, 325, 400, 440, 480, 615, देखा डेटा। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना, 40, 46, 52, 64, 72, 80, 96, 122। अदर इनकम कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लगभग 15 से 18% के बीच स्टैटिक है। नेट प्रॉफिट देखना ध्यान से, 17, 24, 27, 32, 24, 38, 48, 64। ये हम केवल एक 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 वो दिखा रहे हैं, केवल क्या कहते हैं, एक हिंट दे रहे हैं केवल, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज़ और देखो मज़ेदार, अर्निंग पर शेयर देखना, 6, 8.5, 9.5, 11.5, 8, 13.5, 17.5, 22.5, ठीक है। अब सॉरी ब्रदर, वो नंबर्स जो है हम उसमें नहीं दे रहे हैं अभी, ठीक है। देन कैश रिजर्व ध्यान से देखना, 142, 167, 177, 183, 227, 274, कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है कैश रिजर्व। बरोइंग्स नो डाउट बढ़ रहा है, बट कैश रिजर्व के कंपैरिजन में बरोइंग्स आधी से भी कम है। नाउ ये होता है डेटा, और ये होती है कंपनी। कौन सी कंपनी है? मोल्टेक पैकेजिंग, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मल्टी बैगर्स। WNDT, चेतन ब्रदर वो तो पढ़ी हुई है यार, ये तो WNDT तो वो है ना अपनी, क्या कहते हैं, अरे स्पाइडी ब्रदर, ये कोई गेमिंग चैनल नहीं है कि शार्ट आउट दे दें। रजिस्टर ऑनलाइन ब्रदर घर ले लो आप, ठीक है ना। देखो इसके बहुत फायदे होते हैं देखो, ठीक है ना। मतलब अब बजाज फाइनेंस आपने लिया हुआ है, आप अपना एक घर ले लोगे तो उसका सुकून आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो घर ले लो, वो शेयर आपने बेसिकली इसी के लिए परचेज किया था कि ऐसी ज़रूरतें आप अपनी पूरी करोगे, तो वो ज़रूरतें पूरी करो आप। WNDT चेतन तो पढ़ चुके ना हम लोग। पशुपति देखते हैं तेरा कंपनी करती क्या है, मतलब कुछ भी आता रहता है ट्विटर के ऊपर भी, बट कई बार ट्विटर में अच्छा मिल जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ एक्रेलिक प्रोडक्ट, एक्रेलिक डिविजन्स, कमर्शियल ऑपरेशन इन द ईयर, द प्लांट वॉज सेटअप इन द टेक्निकल कोलैबोरेशन ऑफ SNIP। ओके अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया की एक स्टार्टअप कंपनी का टाई अप हुआ है इज़राइल की एक कंपनी से इलेक्ट्रिक मोटर बनाने के लिए, और जो वो इलेक्ट्रिक मोटर है वो ऑल सेगमेंट्स के अंदर है, ऑल टाइप्स ऑफ मोटर है जिनमें साइज़ और वेट अलग अलग है। अब देखते हैं कि वो सोना के ऊपर कितना असर डालती है, ठीक है। ओके, एक्रेलिक्स के फाइबर्स बनाने का काम कर रही है कंपनी, और उसके साथ में CPP फिल्म्स बनाने का काम कर रही है। ओके इसका मतलब है कि मार्जिन्स थोड़े से कमज़ोर होंगे कंपनी। 400 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। पी कम है, रोस 30 का है और ROE 20 का है, ठीक है। मार्जिन्स 14% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट ग्रोथ 500% की है, सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर में 3.5% का है। ना ये अगेन ये चीज़ यहाँ से गड़बड़ हो जाती है ये, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 का है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 65 की है। अब सीधे सीधे इसके डेटा भी आ जाते हैं, देखते हैं ज़रा डेटा में है क्या इसमें। 10 साल में कंसोलिडेशन है, चार्ट बढ़िया है, बट बाकी की और डेटा देखते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, दैट इज़ गुड, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स। रिपोर्टेड प्रॉफिट पुअर, सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 1% रही है। कैन यू बिलीव, वो कैन यू इमेजिन। कंपनी की सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 साल में 1% है, 5 साल में 1% कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है। और डेटर्स डे हैव इंक्रीज्ड, ठीक है, ये इतना नहीं है। प्रमोटर्स हैव प्लेज देयर 25%, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रमोटर्स प्लेज करता है ये बुरी खबर नहीं है, बट सेल्स ग्रोथ 550 करोड़ का मतलब सेल्स तब भी था, 850, चलो अगर इसको कोविड का टाइम मान लो, तो ये कोविड के बाद में अभी तक दोबारा से वापस नहीं आई है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 2014 से लेकर 2017 तक इनकी जो सेल्स ग्रोथ है उसके अंदर कोई बहुत तगड़ा जंप नहीं आया है। मार्जिन्स बहुत अनयूजल हैं, कभी 6% कभी 14%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है किसी भी तरह की। इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है, दैट इज़ गुड।
नेट प्रॉफिट कंपनी का कभी 30 करोड़, कभी 13, 43, 73। लेटेस्ट अभी अचानक से एकदम से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके अंदर अचानक से बढ़ोतरी हुई है। ठीक ना, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर TTM देखो आप तो बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जो लेटेस्ट अभी यहीं का टाइम है इसी में मेन सेल्स ग्रोथ हुई है, इसीलिए TTM में आ रही है ये। ठीक है, ट्रेलिंग 12 मंथ है ये। इसका मतलब है कि जो लेटेस्ट 12 महीने हैं, ठीक है ना, उसमें लगभग कितना आएगा। बाकी 3 साल में सेल्स ग्रोथ नहीं हुई है, 5 साल में सेल्स ग्रोथ नहीं है, 10 साल में कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है। तो जब सेल्स में ही ग्रोथ नहीं है तो कंपनी में आगे कोई मतलब ही नहीं है इसके आगे जाने का, इसके पार। ठीक है ना, कंपनी सेल्स नहीं कर रही है तो कोई मतलब नहीं है, आप उसमें से कितना जूस निकाल लोगे किसी कंपनी का। ठीक है, खत्म है पशुपति। इंटेंस टेक्नोलॉजीज KMC स्पेशलिटी, ये तो पढ़ चुके हैं। इंटेंस टेक्नोलॉजीज एक बार आई गेस इंटेंस शायद पढ़िए, एक बार डेटा देखें ज़रा अपना, फिर बताते हैं। ABCDEFGHI इंटेंस टेक्नोलॉजीज, इंटेलेक्ट डिज़ाइन है हमारे पास में, इंटेंस नहीं है, बगैर नहीं है, चलो इसको देखते हैं ज़रा। थोड़ा सा अगर ठीक मिलेगा तब फिर एनुअल रिपोर्ट उठाते हैं ना बात के लिए, एनुअल रिपोर्ट बात के लिए रख देंगे। मार्केट कैप 200 करोड़ का है, ठीक है, पौने 200, मतलब 187 करोड़ मार्केट कैप है, दैट्स गुड। छोटा कंपनी है, हमेशा रिटर्न जो बढ़िया मिलेगा ना वो हमेशा छोटे में ही मिलेगा। कभी भी बड़ी मतलब कंपनी में सोचोगे 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ की कंपनी है उसको उठाओगे उसके अंदर रिटर्न मिलेगा, कभी नहीं होगा ये, हमेशा छोटी कंपनी में रिटर्न मिलेगा तगड़ा। स्टॉक पी बढ़िया है, 9 का है, ROC 32 का है, दैट इज़ गुड, ROE 26 का है, दैट इज़ गुड, मार्जिन 34% के हैं, हमको सेल्स ग्रोथ दिखाओ। अब इतनी देर के बाद एक कंपनी ऐसी मिली है जिसके अंदर सेल्स ग्रोथ थोड़ी बहुत ठीक है। लास्ट 3 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ 10% के करीब है, दिस कैन बी अ गुड कंपनी। प्रोमोटर होल्डिंग लेकिन बहुत कम है, देखो प्रोमोटर होल्डिंग 18% की है कंपनी के अंदर, मतलब 200 करोड़ का मार्केट कैप है उसमें प्रोमोटर होल्डिंग 18 करोड़ की है। प्रोमोटर ने प्लेजिंग कर रखी किसी तरह की, कोई प्लेजिंग नहीं है। इंटेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऑपरेशंस रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन एंड रिलेटेड सर्विसेज, ओके चलो देखें ज़रा भाई। अब जाहिर है कि कंपनी करती क्या है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कस्टमर ऑन बोर्डिंग, कम्युनिकेशंस एंड मीडिया, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, एनर्जी यूटिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग, एप्लीकेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस। अब इसके अंदर अगर मतलब इसके बारे में अगर वाकई जानना है कि कंपनी बेसिकली क्या कर रही है तब फिर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ही उठानी पड़ेगी, उसके अलावा बाकी नहीं। तो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसके बारे में पूरी जानकारी फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा, इसके जो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है वहीं। और कस्टमर्स और इनके पार्टनर्स कौन कौन हैं, जियो, HDFC, एयरटेल, HDFC लाइफ, इज़ गुड। ठीक है, अब सीधे डेटा पे ही चलते हैं, हम देखते हैं ज़रा डेटा के अंदर कितना दम है कंपनी की। राउंडिंग बॉटम दे रही है, बढ़िया है, वॉल्यूम अच्छा है, डेट रिड्यूस किया है, गुड, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी हुई है, दैट इज़ रियली गुड। पिछले 5 सालों में तकरीबन 33% के करीब प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, नहीं प्रॉफिट ग्रोथ है हमको वो चाहिए भाई, धंधा। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11%, ठीक है पुअर नहीं है इतना। प्रमोटर होल्डिंग लो है कंपनी की, डेटर्स डे हाई है, ठीक है। तो शुरुआत में कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए करती भी यही है, बोलती है क्रेडिट पे सामान उठा लो बाद में पैसा देते रहना। सेल्स 46 54 57 70 80, चलो बहुत बुरा नहीं है, 200 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 2016 6 सालों के अंदर डबल कर दी है अपना जो टॉप लाइन है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है, दैट इज़ गुड, और कंसिस्टेंटली बढ़ा है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन कंपनी के अच्छे हैं। तो जाहिर है कि कंपनी चूँकि सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंदर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर में लो रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड असेट बनाने नहीं होते, तो इस वजह से मार्जिन अच्छे होते हैं इनके, है ना। नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है, बढ़िया है, 9 17 18 21, दैट्स गुड। ओके, बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल ठीक है, कैश रिजर्व कंपनी का दैट्स गुड, 35 से 80, बोरोइंग्स कम हुई हैं, अरे यार ये तो पढ़नी पड़ेगी कंपनी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुरुआत के अगर उतने साल हटा दो तो 19 के बाद से प्रॉफिट में है, और करीब
कई कई बार कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और फ्री कैश फ्लो भी जनरेट किया कंपनी ने 1-2-3 सालों में। ठीक है, कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ा है। कैश कन्वर्जन साइकिल क्यों बढ़ता है किसी भी कंपनी का? छोटी कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ता है जब कंपनी उधार पर सामान देती है बहुत ज़्यादा, तो मतलब वापस आने में टाइम लग रहा है इनको, तो अपना धंधा फैलाने के लिए। इस वजह से और वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ाएं, तो जाहिर है कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ाएंगे। और रोस देखना, पिछले 4 सालों का रोस बढ़िया आया है। इस कंपनी को पढ़ना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, केवल एक चीज़ बची हुई है, वो ये है कि आखिर प्रमोटर की होल्डिंग इतनी कम क्यों है? और प्रमोटर की होल्डिंग कम नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग रेगुलर अभी भी कम कर रहा है, भले ही बहुत धीरे धीरे कर रहा है। 18-23, 18-28 दिन, 18-25, 18-8, कोई बात नहीं। एक चीज़ अच्छी है कि ये कंपनी पढ़ने लायक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस कंपनी को हम लोग बेसिकली लिख के रखेंगे फॉर एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, कंपनी का नाम है इंटेंस टेक्नोलॉजीज, दैट इज़ गुड। इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ने वाली होगी और इसमें भी स्पेशली बिजनेस की ये क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं ज़रा तिजोरी में कुछ है क्या इसके लिए। तिजोरी के बाद फिर अगर और कुछ यूज़ करना है तो मोजो यूज़ हो सकता है, बट उसमें इतना है जो जो एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा ना, वो और कहीं नहीं मिलेगा। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड फ्रॉम सर्विसेज, 90% जो इनका रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम सर्विसेज, और 11% आता है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से, दैट इज़ गुड। भैया एक बार ये कार्तिक ब्रदर, अभी ये इस समय लर्निंग का लेसन नहीं है। ठीक है ना, अभी ये केवल पढ़ाई का टाइम है ये। ठीक है, अभी हम इस समय अगर किसी और चीज़ पे लगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाउ टू ज्वाइन अदर शेयर अकेडमी प्लेटफॉर्म्स, धर्मेश सर जुड़े रहिएगा, बस मिलता रहेगा आपको। ठीक है ना, सब कुछ ओके। तो अब देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है, आप एक चीज़ देखो, अशोक बिल्डकॉन देख लिया हम लोगों ने, राणा शुगर देख ली, इंटेंस टेक्नोलॉजीज देखी और पशुपति एक्रियन देखी। ठीक है, इतनी कंपनियों के अंदर अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल एल पी आर देखते हैं, इतनी कंपनियों में अगर लगता है कि मतलब अच्छा कंट्रोल प्रिंट, आई गेस कंट्रोल प्रिंट तो पढ़ी है, एक मिनट को रुको रुको देखने दो। मेरे ख्याल में आपने उन्होंने दी थी ना, जो सबसे सीनियर मेंबर हैं अपने ग्रुप के, कंट्रोल प्रिंट कॉन्फिडेंस, कंट्रोल प्रिंट पढ़ रखी है ब्रदर, गुड कैटेगरी के अंदर है। ये बॉटम लाइन अपनी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, 323 करोड़ का मार्केट कैप, ओहो डबल हो गई वहाँ से। चलो कोई नहीं, कहाँ जाएगी। रोस अच्छा है 17 का, आरओई 14 का है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी इशू आया है कंपनी में, तकरीबन 5.5% का है सेल्स ग्रोथ। ठीक है, देख लेते हैं ज़रा, 19 का पी है और प्राइस टू बुक 3 का है, जस्टिफाइड है, अच्छा है। ठीक है, बुक वैल्यू 153 की है। कंट्रोल प्रिंट इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स एंड स्पेयर पार्ट्स, चलो इसकी वेबसाइट देखने लायक होगी ये। ठीक है, क्या करती है कंपनी, वी आर कंट्रोल प्रिंट्स इंडियाज ओन कोडिंग मार्केट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द कोडिंग एंड मार्केटिंग, तो ये बेसिकली करते हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं ये देखते हैं ज़रा कंपनी के। चलो भाई दिखाओ क्या कर रहे हो। क्या बात है, चलो वेबसाइट खोल लें दो, तब तक थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, डेट फ्री कंपनी है, मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, अच्छा इतनी छोटी कंपनी डिविडेंड दे रही है, 700 करोड़ का मार्केट कैप, डिविडेंड दे रही है। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8% ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स, तो मतलब टॉप लाइन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखते हैं ज़रा, सेल्स जो है कंपनी की वो ना स्टैटिक तरीके से बढ़ी है। ठीक है ना, और जिनमें तकरीबन 2015 से कंपनी की सेल्स लगभग 150% के करीब बढ़ी है, मतलब 140% के करीब बढ़ी है कंपनी की सेल्स ग्रोथ, दैट इज़ गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंपनी के 23 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ के करीब 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 3 करोड़, मतलब 3 गुना हुआ है, दैट इज़ गुड।
मार्जिन्स बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के स्टैटिक रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। चेतन ब्रदर बढ़िया है। अदर इनकम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट बहुत कम है। नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है, 26 करोड़, 20 करोड़, यहाँ से बढ़ते हुए 40 करोड़। तो मार्जिन्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का वो 3 गुना बढ़ा है, और उसी टाइम में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो केवल 2 गुना बढ़ा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी का पैसा कहीं गया है। कहाँ गया है? या तो टैक्स चुकाने में गया है कंपनी का पैसा, या इंटरेस्ट कॉस्ट गया है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए कंपनी का पैसा टैक्स चुकाने में ज़्यादा गया है, ठीक है ना, और कुछ दूसरे खर्चे। ठीक, अर्निंग पर शेयर कंपनी का उसी टाइम में लगभग 12 दुना 24, लगभग 2 गुना हो गया है। दैट इज़ वेरी गुड, सो वेरी वेरी गुड। ठीक है, कंपनी का कैश रिजर्व लगातार बढ़ा है, और कंपनी ने बेसिकली क्या किया है, अपना जो डेट है वो ज़ीरो कर दिया है। ओहो गुड, डेट अगर ज़ीरो हो गया है कंपनी का, और कंपनी का केवल अपना टॉप लाइन के ऊपर काम कर लेगी, बस सब कुछ हो जाएगा। 700 करोड़ का मार्केट कैप है, वाह। नाउ सी, 2015 के बाद से कंपनी ने बढ़िया रिटर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जनरेट किया है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जनरेट किया है। फ्री कैश फ्लो जनरेट करने में कंपनी को अभी भी इशू आ रहा है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है फाइनेंसिंग में ये लोग पैसा पे कर रहे हैं कस के, ठीक है ना, और ये डिविडेंड में दे रहे हैं आई गेस। हाँ ये यार, ये काम ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये डिविडेंड में पैसा जो दे दे रहे हैं, अगर इसको बचा लिए होते तो ये फ्री कैश फ्लो जनरेट कर लिए थे, तो ये डिविडेंड में क्यों दे रहे हैं इतना पैसा? प्रमोटर्स के पास में अच्छा खासा है क्या? अभी बदल जाएगा, देखते हैं ज़रा। ओ कैश कन्वर्जन साइकिल हालांकि ठीक है, चलो अच्छा है, कैश कन्वर्जन साइकिल धीरे धीरे कम हो रहा है, दैट इज़ गुड, कंट्रोल में है। वर्किंग कैपिटल डेज कम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। रोस थोड़ा सा कम हुआ है 2014-15 की तुलना में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, बट फिर भी 17% 18% के आसपास में है, दैट इज़ गुड। प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग तगड़ी, FIIs घुसी हुई है, इसी वजह से डिविडेंड। किसको? इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड, DIIs में कौन है भाई? SBI लार्ज एंड मिड कैप है, बारिंग प्राइवेट इंडिया, ओके, इनको रोकने के लिए है ये। गवर्नमेंट अपना पार्ट बढ़ा रही है, किसी और ने अपना पार्ट बढ़ाया है? यस, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने बढ़ाया अपना पार्ट, और पब्लिक के पास में तकरीबन 27% है, दैट इज़ गुड। तो जाहिर है कि कंपनी जो है डिविडेंड पे कर रही है, ताकि जो इनके रेगुलर इन्वेस्टेड ये हैं बड़े लोग जैसे FIIs और DIIs, वो रुके रहें कंपनी के साथ में, तो ये एक अच्छी खबर है। और बोरोइंग्स कंपनी की जो कम हुई हैं, इसकी वजह से कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो अभी सुधरना शुरू कर रहा है, ठीक है, इधर बोरोइंग कम हुई है, और इधर यहाँ पे हम लोगों को कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो सुधरता हुआ दिख रहा है। हालांकि बहुत तगड़ा कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी 2016 से कंपेयर करो अगर आप, तो वो लगभग डबल हो गया है, ठीक है ना। 2016 से 6 सालों के अंदर कंपनी का बॉटम लाइन डबल होना, इट्स ए गुड न्यूज़, ठीक है, बढ़िया है। सर प्लीज़ वीडियो ऑन सेकंड चैनल, हाउ टू मैनेज टाइम फॉर स्टूडेंट्स। रितेश ब्रदर, अगला वीडियो इसी पे आने जा रहा है। अगर सेकंड चैनल आप लोगों में से, अच्छा कितने लोग ऐसे हो आप में से जिन्होंने सेकंड चैनल नहीं देखा है? स्टूडेंट्स के लिए ही सेकंड चैनल पे वीडियो आने जा रहा है, ठीक है, और वो इसी के लिए, उसका टाइटल है कि एक दिन में 48 घंटे, एक दिन में 48 घंटे, ये टाइटल है, ठीक है, उसको देख लेना आप, मिल जाएगा, बढ़िया है। सेकेंड चैनल अगर नहीं देखा है तो, ठीक है, बढ़िया है। चेतन ब्रदर, इसको तो हमको अपग्रेड कर देना चाहिए भाई, कंट्रोल प्रिंट को गुड से इसको बेटर में ले आना चाहिए। बट हमसे पूछो अगर पर्सनली इसके अंदर अभी इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक बार ज़रा जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स है ना, और इस बार की एनुअल रिपोर्ट, उसको देखने के बाद ही हम इसमें हाथ लगाएंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, दैट्स गुड। कोई अगर मॉडरेटर है यहाँ पे तो सेकंड चैनल का लिंक डाल देना ब्रदर। लिसनिंग गीता ऑन सेकंड चैनल, ओके ओके, श्रेयान सर, के एन एग्री, चलो देखते हैं सर। अरे ये कहाँ से? के एन एग्री रिसोर्स लिमिटेड, नहीं, के एन एग्री रिसोर्स लिमिटेड, क्या लाए हो भाई,
इसको तो इस पे देखना पड़ेगा पहले, टेक्निकल्स पे एक बार रुको। केएन एग्री। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है भाई, कौन सी एक कोई कंपनी है जिसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, वो एनएससी पे लिस्ट हुई है अभी लेटेस्ट, किसी को पता है? हमारे दिमाग से उतर गई। अरे श्रवण सर बहुत दिनों के बाद आए। सेकंड चैनल का लिंक डाल देना फ्रेंड्स अगर कोई है तो। चलो देखें ज़रा के एन एग्री का डेटा कैसा है। अभी अभी आया है ना, 3 दिन हुए इसको, तो डीआरएचपी उठाना पड़ेगा इसका, तो कोई मतलब इन्फॉर्मेशन है ही नहीं यहाँ पे। इसका एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा। खैर ये कंट्रोल प्रिंट के बारे में है, अवर लाइन ऑफ कोडिंग एंड मार्किंग मशीन, कॉन्टिन्यूस इंकजेट प्रिंटर है, हाई रिजोल्यूशन प्रिंटर्स बनाती है, थर्मल इंकजेट प्रिंटर बनाने का काम करती है कंपनी, थर्मल ट्रांसफर ओवर प्रिंटर, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर्स। खैर मास तो सेकेंडरी है। ठीक है दैट्स गुड, बाकी का सब फिर एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही आएगा। ओके ये है के एन एग्री, एग्री प्रोसेसिंग एंड एग्री सप्लाई चेन, वी ग्रो विद एग्रो। 1987 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। एडिबल ऑयल्स, एनिमल फीड इंग्रेडिएंट, सोया वैल्यू। अच्छा एक मिनट चेतन ब्रदर, ये वो कंपनी तो नहीं है जो जिसका जिसको अदानी विल्मर जिससे सामान खरीदता है, एक बार ज़रा ये बताना। कैमक्रक्स पड़ी हुई है ब्रदर, कैमक्रक्स पड़ी हुई है हमारे पास में। हल्दीराम का आईपीओ आने वाला है, अगर ये आ गया ना तो ये मस्ट हैव होगा, हल्दीराम का आईपीओ मस्ट हैव होगा। ओके क्लाइंट रीच इनकी है, अच्छा है तो हाँ वही हमको लगा था, इनके क्लाइंट्स में अदानी विल्मर है, कारगिल, बंजी, ओलम, कॉफको, एग्रोकॉर्प, गोल्डन एग्री। चलो देखें ज़रा इनकी, इसका मतलब है कि इनकी एनुअल रिपोर्ट में कुछ ना कुछ मज़ेदार होगा। एनुअल रिपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, हेल्प डेस्क, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखते हैं ज़रा एनुअल रिपोर्ट में कुछ होगा। हाँ वही है ना, ये एक चीज़ गड़बड़ है कि ये लोग ना अपनी वेबसाइट ठीक से मैनेज नहीं करते हैं, बस फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं चाहिए, एनुअल रिपोर्ट चाहिए, नहीं है प्रेजेंटेशन है क्या, देखते हैं ज़रा। चलो प्रेजेंटेशन है, देखें ज़रा क्या क्या है कंपनी के बारे में। अभी ये जो है ना, अरे गुजरात थेमिस बायोसिन प्रशांत सर पढ़ रखा है। देखो एक चीज़ समझो यार, रात के 2:15 बज रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं अपने बेडरूम में अपनी कंप्यूटर टेबल पे बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, अब इस समय मैं किसी की सलाह नहीं मानने वाला अभी, ठीक है। पहला जो था ना वो स्टेप कंप्लीट हो गया, दैट इज़ रिलेटेड विद द डेटा। नाउ डेटा अगर मिल गया आपको, डेटा के अंदर समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि डेटा ठीक ठाक है, तब फिर अगला काम होता है कि भाई कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पे घुसो, कंपनी का प्रेजेंटेशन देखो, उसकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो देखो। तो सबसे मज़ेदार होता है कि कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाता है, एनुअल रिपोर्ट और डेटा से, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन से। केन एग्री ब्रिंग्स फार्म फैक्ट्रीज टू द एंड कस्टमर, बेसिकली क्या करती है कंपनी, सोया जो सीड है वहाँ से फिर ये ऑयल बनाने का काम करती है। कैन एग्री रिसोर्सेज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1987, एग्रो बेस्ड कंपनी, प्राइमरी इन्वॉल्व इन एग्री प्रोसेसिंग एंड एग्री सप्लाई चेन, विद रेवेन्यूज ऑफ ओवर इंडियन रुपीज 13,000 मिलियन। इन 3 डेकेड्स वी हैव बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद फार्मर, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, वेयर वी कनेक्ट फार्म टू कंज्यूमर इन एग्रो प्रोडक्ट्स ग्लोबली। तो मतलब है कि फार्मर से ये सामान खरीदते हैं, जैसे मान लो कि सोया खरीदा, उसका तेल निकाला, उसके बाद उसको ले जाके सेल कर दिया इन्होंने, जो इनके अपने कस्टमर्स हैं। तो ये बेसिकली कस्टमर्स और बिजनेस, इनके बीच का जो लिंक है ये है। और ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, क्यों कि जो बिचौलिया होता है ना इस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि उसको इससे मिलता है बहुत सस्ते रेट पर, किसानों से अनाज बहुत सस्ते रेट पर मिल जाता है, तो ये बीच वाला जो वो खाने वाला काम है ना, उसके अंदर इनके मार्जिन बड़े अच्छे होते हैं। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है इसमें। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर चैनल वी हैव सेटअप
चौपाल्स वेरिन फार्मर डायरेक्टली सेल्स अस देयर प्रोडक्ट्स एट फेयर मार्केट प्राइस. अवर प्रोडक्ट इंक्लूड्स एडिबल ऑयल, सोया टोस्टेड एंड टोस्टेड फ्लेक्स, ग्रिट फ्लावर, मील्स, हेप्रो मील, लेसिथिन व्हीट फ्लावर, ग्रेडेड व्हीट, पल्सेस, मेज, शुगर, मोस्टली सोल्ड अंडर अवर ओन ब्रांड खान पान एंड क्लासिक. वी हैव प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एट इटारसी एंड एट खंडवा. खंडवा ये मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश में है, बोथ इन मध्य, हाँ मध्य प्रदेश में है इटारसी और खंडवा दोनों. इन आवर एंडेवर रिड्यूस कार्बन वी हैव सेटअप विंड मिल विच सप्लाइज ग्रीन पावर. ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा. हिस्ट्री एंड लिनिएज क्या क्या है. 1930 में शुरू हुई थी ये कंपनी, रायपुर फेमीन. ओके, पाइनियर्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ राइस ब्रैन ऑयल, देन 18 मिल्स के साथ में ये 1993 में इस्टेब्लिश हुई खंडवा में. देन इटारसी ऑयल वॉज इनकॉर्पोरेटेड एंड देन फ्यूचर ऑफ केन एग्री एथेनॉल प्रोसेसिंग पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई चेन. और सोया प्रोसेसिंग प्लांट इनका 1800 TPD का है 2021 में जो लगा है. ओके ठीक है. फाउंडर्स हैं MD ऑफ केन एग्री, पायनियर इन एग्री ट्रेड, 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, सर्वड एज डेप्टी चेयरमैन ऑफ सोपा, फाउंडिंग मेंबर ऑल इंडिया शुगर ट्रेडिंग एसोसिएशन, अच्छा स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन, प्रमोटर ऑफ जैन पब्लिक स्कूल, एक्सपीरियंस इन मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटीरियल. ओके, मैनुफैक्चरिंग फाइनेंस, ओवरलुक फाइनेंस, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास में. न्यूएस्ट फेस है, CEO ऑफ स्पेशलाइज प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स. ओके ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा है. मैनेजर ग्रुप फाइनेंस, सीनियर केन एग्रो, कॉमर्शियल सेट केन एग्रो, अकाउंट एक्सपीरियंस 20+, रिच एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ मैनेजमेंट के बारे में नहीं दिया. इनके पार्टनर्स बड़े अच्छे हैं, ये देखना. कारगिल है, गोदरेज एग्रोवेट है, एग्रोकॉर्प है, ओलम है, और इसके अलावा हम लोग जिनको जानते हैं वो अदानी विल्मर और रुचि सोया है, चेतन ब्रदर ने जो बोला है. MP सोया एस्टेट है, ये दोनों MP में है. ओके, नियर खरगोन. ओके, टर्नओवर इनका 13,000 करोड़ पर एनम है, 1300 करोड़ पर एनम है. ओके एक मिनट, 1300 करोड़ पर एनम. कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप अभी नहीं पता है. ठीक है, सोया प्रोसेसिंग है इनके पास में, वीट फ्लावर विंडमिल है, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ लेसिनिन टू कारगिल है, वन ऑफ द टॉप 5 प्रोसेसर्स ऑफ सोया बीन्स इन इंडिया. अरे यार ये तो सरुचि सोया, अगर इसका वो है तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ सोयाबीन मील फ्रॉम इंडिया. सी दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स ऑफ सोयाबीन मील फ्रॉम इंडिया. ठीक है ना, इनके ब्रांड्स हैं खुद के क्लासिक और खान पान. कैन एग्री इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, अगर इंटीग्रेशन है इनका सप्लाई चेन में, फार्म से प्रोसेस हाउस, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक सपोर्ट, देन कंज्यूमर, इसके बीच में इनके कंज्यूमर्स अदर बिजनेस हाउसेज भी हैं. मैन्युफैक्चरिंग है सोया प्रोसेस एडिबल ऑयल की, फ्लावर पल्सेस कमोडिटीज, सोयाबीन ऑयल, सोया ऑयल, वेयर हाउसिंग है. ओके, देन इनके सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत मैटर नहीं करता है. ओके, हेयर कम्स द परफॉर्मेंस. रेवेन्यूज 1300 करोड़ के डाटा जाऊंगा अभी मैं, देखना बच्ची भी सो रही है और वाई भी सो रही हैं. 1300 करोड़ का मतलब ऐसा डेटा देख के ना आदमी अपने आप एक्साइटेड हो जाता है, तो आवाज़ अपने आप तेज निकल जाती है. मार्केट कैप 500 करोड़ की है, लिस्टिंग के बाद डबल हो गई है एक मंथ में. 500 करोड़ की मार्केट कैप लेके 1300 करोड़ का धंधा कर रही है कंपनी है, 1300 करोड़ का धंधा है कंपनी का 2020-21 का. ठीक है, 21-22 का है 1700 करोड़ का, एक्सपेक्टेड है 2400 करोड़ का, 2300 करोड़ करीब. नो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 25 का है, तो 2% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का. तो जाहिर है कि ये पर्टिकुलर एरिया कमोडिटी बेस्ड एरिया है, यहाँ पे मार्जिन्स कम होते हैं. ठीक है, जस्टिफाइड है. और जो एक्सपेक्टेड 23-24 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी 2% ही है. थ्री गवर्निंग प्रिंसिपल्स एक्सपर्टीज, खैर ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता हमारे लिए. इशू साइज इनका 46 करोड़ का था, क्या था क्या. SMEs IPO एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बिड लॉट साइज 1600 का था,
बिड लॉट वैल्यू 1,13,000 करीब आप डाल सकते थे इसके अंदर। अच्छा, ये बेसिकली उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इनकी। ठीक है, बढ़िया है। मार्जिन्स थोड़े से कमज़ोर हैं, और वो कमोडिटी सेक्टर के अंदर कंपनी जो भी होगी उसके मार्जिन्स यही रहेंगे, ठीक है ना। और एसएमई सेक्टर के अंदर है, तो आई गेस इसके अंदर क्या मतलब वॉल्यूम उतना ही प्ले होगा इसका, लॉट्स में ख़रीदा जाएगा 1,600 के लॉट में, अगर अभी भी वही चल रहा है। क्योंकि कुछ एसएमई प्लेटफॉर्म पे कुछ कंपनीज जो लिस्टेड हैं वो लॉट्स में ही परचेज़ होती हैं, और अगर लॉट में परचेज़ होती हैं तो उनके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका अलग अलग लॉट्स के आधार पर है। 1,600 शेयर का अगर लॉट है तो फिर उसी के हिसाब से कॉस्ट लगेगी 1,50,000 2 लाख के करीब, ठीक है ना। सो कंपनी बढ़िया है, के एन एग्री रिसोर्सेस रख लेते हैं पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में। और चेतन ब्रदर थैंक यू, के एन एग्री SOUR। अब ज़रा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ निकालते हैं, ये हो गया ना 20 और 25। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और थी जहाँ पे हमको कुछ स्टॉक्स के एक लिस्ट मिली थी, बेसिकली स्टॉक की वो लिस्ट ही मतलब उसी की वजह से हम शुरू किए थे रात में भी पढ़ना। निकालता हूँ, ये रहा। स्पिरिचुअल ट्रेडर ने कहा है कि विच अमंग दिस 5 माइक्रो कैप्स यू गोना बेट फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स एंड वाई। इसमें एक्सेल मॉक है जो हम लोगों ने पढ़ी थी कंपनी, एक है ASM टेक्नोलॉजी। ये कंपनी जो हमको दिखी ना, तो हमको लगा कि यार ये थोड़ी सी पढ़नी चाहिए, देखें ज़रा क्या है इस कंपनी के अंदर। ये बेसिकली वो ₹632 करोड़ का मार्केट कैप है। ब्लिक ब्लॉक चेतन सर, इसका कोई और डेटा है क्या? कॉन्फ्रेंस कॉल कुडंट फाइंड एनी। DRHP उठा लो उसका ब्रदर, DRHP के अंदर खूब डिटेल मिलेगा, ठीक है ना। DRHP उठाओगे उसके अंदर खूब मिलेगा। ASM टेक्नोलॉजीज, क्या करती है कंपनी? हाँ, कुकी के अलावा और क्या करती है? चलो देखें, यहाँ पे 2:30 बज गए, ये रही ASM। आने देते हैं, अरे यार ये बड़ी समस्या होती है ना छोटी कंपनियों की, वेबसाइट ना ये ठीक से मैनेज नहीं रहती है, यहाँ पे समस्या होती है। इंजीनियरिंग R&D क्या करती क्या है कंपनी? ASM टेक्नोलॉजीज इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज इन द एरिया ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर्विस ऑफरिंग में क्या है? इट इज़ एन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट R&D कंपनी स्पेशलाइज इन सर्विसेज लाइक प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग एंड पायलट प्रोजेक्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, नेटवर्क डिजाइन डेवलपमेंट, वायरलेस एंड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स थ्रू एन एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंडस्ट्रीज कैटर्ड जिसको ये करती है वो है सेमी कंडक्टर, दैट इज़ गुड, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इंटरप्राइजिंग स्टोरेज नेटवर्किंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज़ गुड। एक्सपोर्ट्स 66% की तुलना में कंपनी का 81% हुआ है। US अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स। डोमेस्टिक ये 12%, एक मिनट नहीं, US जो एक्सपोर्ट करते थे ये उसमें उसको घटाया इन्होंने, 81% से घट के 66% हुआ है, और डोमेस्टिक के अंदर इन्होंने बढ़ाया है रेवेन्यू स्प्लिट में। मैन्युफैक्चरिंग में 7% से घटा के उसको 4% पे लाए हैं। क्लाइंट्स, द मेन क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड सम ऑफ द रेपुटेड कस्टमर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी कंडक्टर इक्विपमेंट एंड नेटवर्क डिवाइसेज। रेवेन्यू हैज हैवली कंसंट्रेटेड विद 82% ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम 9 कस्टमर। चलो थोड़ा सा डाइवर्सीफाई किया इन्होंने। फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका 3 कस्टमर से आता था 90% का रेवेन्यू, जिसको डाइवर्सीफाई किया है, 9 कस्टमर्स लिए हैं 82% का रेवेन्यू। इसका मतलब है कि इनके इनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, ठीक है, दैट इज़ गुड। द कंपनी हैज़ मेड सेवरल स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट इन द एरिया ऑफ क्लाउड नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, हर कोई यही डाल रहा है। एक्विजिशन ऑफ सेमकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, द कंपनी एक्वायर्ड द इंडियाज ऑफ शोर डिलीवरी सेंटर ऑफ स्वीडन हेडक्वार्टर सेमकॉम।
इट विल डिलीवर सर्विसेज टू द स्कैंडिनेवियन मार्केट लेवरेजिंग सेमकॉम्स कस्टमर फेसिंग टीम. द एक्विजिशन विल इन्हांस द कंपनीज ग्रोथ एंड मार्केट एसेस इन यूरोप. प्रपोज्ड केपेक्स भी है, गुड. कितना? 632 करोड़ के मार्केट कैप में कंपनी 50 करोड़ का केपेक्स कर रही है. ओके. इक्विटी से 15 करोड़ निकलेगा और बाकी का डेट से आएगा और 23 में कंप्लीट होगा. स्मार्ट फिक्स 4 फॉर्म्स एंड गियर्स, वन ऑफ द लीडिंग फिक्सचर बिल्डर इन द एशिया, लॉन्च स्मार्ट फिक्स 4 पार्टनरशिप विद एसएम टेक्नोलॉजीज, द इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट विद अ पोटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा एनालिटिक्स टू इंक्रीज द यील्ड्स एंड थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. यार ये कंपनी तो शानदार लग रही है. द कंपनी पार्टनर विद द नीदरलैंड्स बेस्ड इलेक्ट्रिक IQ, द वर्ल्ड लीडिंग थ्रेट इंटेलिजेंस हंटिंग एंड रेस्पॉन्स टेक्नोलॉजीज कंपनी. अच्छा. फॉर इलेक्ट्रिक IQ एंड पॉइंट रेस्पॉन्स एंड एंड पॉइंट डिटेक्शन रेस्पॉन्स टेक्नोलॉजी. दिस इनेबल्स द कंपनी टू फोरे इनटू द साइबर सिक्योरिटी मैनेज सर्विसेज स्पेस विद अ रोबस्ट न्यू EDR ऑफरिंग. ओके. इशू ऑफ द बोनस शेयर, ठीक है. फोकस द कंपनी मेन फोकस कमिंग ईयर विल बी ऑन द डिजिटल इंजीनियरिंग विच विल बी अ की बिजनेस इंपरेटिव अक्रॉस एवरीथिंग कंपनी इज डज वेदर इट्स फॉर प्रोडक्ट डिजाइन मैनुफेक्चरिंग इंजीनियरिंग. गुड. एनुअल रिपोर्ट पढ़ने लायक होगी कंपनी की. रशिया में जो बिजनेस स्टॉप हुए हैं उससे वहाँ इंडिया के कुछ कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है. वो करेगा ही ब्रदर. ये बेसिकली है क्या, देखो जिसके पास में भी पैसा है ना उसको जहाँ बार्गेन हंट मिलेगी वो जा जा के बार्गेन हंटिंग करेगा, ठीक है. जैसे कि अमूल ने अभी श्रीलंका में बार्गेन हंटिंग शुरू करी है, अगर किसी को पता हो तो. अमूल ने श्रीलंका को बोला है कि भैया देखो तुम्हारे यहाँ दूध और मिल्क प्रोडक्ट हम एक ही शर्त पे सप्लाई करेंगे, जब हमारे साथ तुम लॉन्ग टर्म का ट्रेड अग्रीमेंट करोगे, वो भी डिस्काउंट पर, जो तुमने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रखा है. तो ये धंधा है भैया, जिसकी बीट उसका पैसा उसका मुनाफा. मार्केट कैप अच्छा है, स्टॉक भी थोड़ा सा महंगा है और कंपनी का जिस तरह का हालत है उसको देखते हुए लग रहा है कि इट इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो. एक बार जरा कंपनी का एनुअल रिपोर्ट दिख जाए हमको. इन्वेस्टर्स में होगा फाइनेंशियल्स कॉरपोरेट्स इन्वेस्टर रिलेशनशिप ओवरव्यू राइट्स इशूज़ फाइनेंशियल्स कॉरपोरेट गवर्नेंस शेयर होल्डर्स. ये सीधे वहाँ मिलेगा, इसका गूगल पे उठाना पड़ेगा. ऑटोमोटिव एवियोनिक्स देखते हैं जरा इसके बारे में कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं. छोड़ देते हैं तब तक खुलता रहेगा, हम लोग तब तक थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं उसके बाद फिर इधर आएंगे, ठीक है. वेफर मेटलाइजिंग पैकेजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सर्विसेज में क्या क्या ऑटोमेशन सॉल्यूशंस डिजिटल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. यार ये पढ़ने लायक होगा, ये मज़ेदार होगा, ये इट्स गुड. एक बार दिखा दो कहीं अगर है ब्रोशर वोशर तो. नहीं है, आई डोंट नो, बट फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है हमको, ठीक है देखते हैं. चलो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% के करीब है, रोस 20%, ROE 15% है. बुक वैल्यू 57 की है और करंटली प्राइस टू बुक कितना है, 10 का है. दैट इज़ वे वे हाई, कंपनी बहुत महंगी है प्राइस टू बुक के कंपैरिजन में. प्रॉफिट ग्रोथ 12% का सेल्स ग्रोथ, दैट इज़ गुड. अरे गुड गुड, यही तो चाहिए था भाई. तुम प्रॉफिट मत जनरेट करो, तुम धंधा अपना बढ़ाओ सबसे पहले. धंधा बढ़ गया अगर तो बाद में तो केवल तुमको खर्चे में कटौती करनी है ना. प्रमोटर होल्डिंग 61% की है, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है. अब प्राइस टू अर्निंग और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर 18% 3 साल से सेल्स ग्रोथ कर रहा है ना ये, तो ये तो अपने आप मैनेज हो जाएगा. कंपनी थोड़ी महंगी भी खरीदी जा सकती है. चार्ट पैटर्न अनयूजुअल रन अप है, इट्स गुड, ठीक है कोई बात नहीं. देखो कंसोलिडेशन उसके बाद में क्या भयानक री रेटिंग हुई कंपनी की. एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, कंपनी एज बी मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड, नहीं चाहिए भाई डिविडेंड. बुक वैल्यू महंगी है तो हमको ही मालूम है. लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है, डेटा दिखाओ. प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सेल्स कंपनी की ध्यान से देखना. 2016 मतलब 2010 से लेकर 2014-15 तक कंपनी की सेल्स धुआंधार बढ़ी थी, देन 2016 में अचानक से उसमें गिरावट आई थी बहुत तगड़ी, ठीक है, लगभग कितनी, एक तिहाई रह गई थी. देन वहाँ से कंपनी की सेल्स बढ़ी है और कंसिस्टेंटली बढ़ी है. सी देर इज़ अ कंसिस्टेंसी, 63, 81, 83, 88, 92, 137, 178, दैट टू इंक्लूडिंग कोविड, ठीक है ना. देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ध्यान से देखना, 6252, 1722. यहाँ पे थोड़ा सा इशू आया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8%, 3%, 6, 3, 12, 12. लेटेस्ट थोड़ा सा बढ़ा है तो हम लोग इसकी वजह से
एक बार ज़रा क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखते हैं मार्जिन्स, 19 19 14 7 9 11 16 17, दैट इज़ गुड, 16 11 ठीक है, इज़ गुड। एक क्वार्टर इसका मतलब एक या दो क्वार्टर्स और ऐसे निकल जाए अच्छे, एनुअल्स बढ़िया आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। अदर इनकम ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अदर इनकम से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नेट प्रॉफिट, ओहो, नेट प्रॉफिट जनरेट करने में कंपनी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, कोई बात नहीं, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है और मार्जिन्स धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिजनेस एक बार बढ़ा ले, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब मार्जिन्स को हल्का सा बढ़ाएगी, बिजनेस पहले बढ़ा दे, मार्जिन्स को ध्यान रखे, बस उसके बाद मिल जाएगा हम लोग को रिटर्न। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 1.5 देन 6 देन 1 7 और 12, ये पर्टिकुलर यहाँ पर थोड़ा सा इशू आया था, देख लेते हैं अभी किस वजह से है। ठीक है, बैलेंस शीट कंपनी की ये रहा, दिख रहा है शेयर कैपिटल थोड़े से लूज़ किया इन्होंने और अभी और लूज़ होंगे, उन्होंने बताया था ना कि 50 करोड़ के करीब नया केपेक्स कर रहे हैं ये। कैश रिजर्व कंपनी का अच्छा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है कैश रिजर्व। और बरोइंग्स कंपनी की ऑलमोस्ट स्टैटिक रही है, पिछले 3 सालों में बढ़ी है, 15 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ हो गई है, जो कि करीब करीब डबल हो गई है कंपनी की बरोइंग। कैश रिजर्व नहीं बढ़ा है बट कंपनी की बरोइंग्स बढ़ी हैं, और ये बरोइंग अभी इनकी और बढ़ेगी जब ये अपना केपेक्स करेंगे, और केपेक्स करेंगे तब इनका शेयर कैपिटल भी लूज़ होगा और प्लस इनका बरोइंग्स भी बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए एक मतलब थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा, अगर कंपनी इस चीज़ को संभाल ले गई तो इसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ होगी, टर्न अराउंड स्टोरी जैसी होगी। ठीक है, अदर लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, फिक्स्ड एसेट कोई मैटर नहीं करता बहुत ज़्यादा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो जाहिर है 600 करोड़ के मार्केट कैप पर कैश फ्लो तो क्या आएगा कंपनी में। कैश कन्वर्जन साइकिल ठीक है, रोस बहुत ज़्यादा नहीं है, और कंपनी के अंदर प्रमोटर्स भी, तो अभी इसके अंदर करना क्या चाहिए, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। देखो एएसएम, अब ओवरऑल इसका जो हम वो निकालते हैं मतलब कि रिजल्ट, वो ये है कि एएसएम टेक्नोलॉजीज़ को हमको इसका जो एनुअल रिपोर्ट है और प्लस इसका डीआरएचपी एएसएम टेक्नोलॉजी वो थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ना चाहिए, प्लस इसको रखना चाहिए रडार पे कम से कम अगले 4 क्वार्टर्स के लिए। ठीक है, कीप ऑन रडार फॉर 4 क्वार्टर्स। इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है, अपना ये कैपेक्स कर ले, कैपेक्स करके उस कैपेक्स को ठीक से संभाल ले जाए, अगर ये संभाल ले गई तब उसके बाद ये लंबे टाइम के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। ठीक है, अब ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा और बढ़िया अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इस कंपनी को। ठीक है, तो ज़रा हम चार्जिंग लगा देते हैं, देखते हैं चार्जिंग लगाने पर कोई हमिंग साउंड अगर आएगा तो एक बार ज़रा कमेंट बॉक्स में बता देना। नबा वर्ष दादा भाई, शुभ नया वर्ष सभी को। आज कौन सा नया वर्ष है, डमरू कौन बजा रहा है बैकग्राउंड में, देखना ज़रा वो हमिंग साउंड आ रहा है क्या। अरे मंडे को ऐड मत करने लग जाना, थोड़ा सा पढ़ लेने देना हमको, वो देखो हमारी आवाज़ सुन के ना बिटिया रात में कुछ बोलती रहती है नींद में। अच्छा है इलेक्ट्रिक वही, 1 मिनट ज़रा, क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं ये, ऑटोमोटिव होम ऑटोमेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट डिज़ाइन एंड सर्विसेज बैटरी स्वैपिंग मैकेनिज्म बैटरी पैकेजिंग लॉक ब्रेक्स स्टेयरिंग गुड यार, थोड़ी पढ़ने वाली होगी। एविएशन में है, शिट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये तो पढ़ने लायक कंपनी, अरे वाह। देन उसके बाद में है ये हाईटेक्स, हाईटेक इंडस्ट्री इज एक्सट्रीमली डिमांडिंग एंड कंज्यूमर ड्रिवन, जीरो मार्जिन पर शो प्रोवाइड रिलायबिलिटी प्रिसीजन एंड रोबस्टनेस अलॉन्ग विद कंप्लायंस। अरे सेमी कंडक्टर्स डिज़ाइन सर्विसेज आईपी इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म एंड सब सिस्टम सोल्यूशन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके मेडिकल इंडस्ट्री में, अच्छा ये वो एक्सरे मशीन है,
सेमीकंडक्टर्स में आर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन। इज़ गुड भाई, ये इसका बिजनेस पढ़ने लायक है, इसका ASM का। आरुण, आई गेस आरुण शायद हम लोगों ने देखा है। एक मिनट रुको, जरा इसके साथ में एक वो इन्फॉर्मेशन डाल दें, मस्ट स्टडी। आरुण देख लेते हैं ज़रा एक बार, शायद हम लोगों ने पढ़ी है। AARON है ना, बैटरी कितना बचा है। अच्छा ये बताना ज़रा, वो नहीं आ रहा था ना इको, अच्छा इको हो रहा था क्या? सिमरप्रीत सर, हेलो भाई, हेलो। ठीक है तो फिर मैं लगा देता हूँ चार्जिंग। मेन कंसर्न हमारा उससे था, हार्मिंग साउंड से था शुरुआत में, जब शुरू किया था तब कभी कभार आता था। खैर आरुण, AARON नहीं है ब्रदर, आरुण नहीं पढ़ी है। चलो एक बार देखें ज़रा डेटा, ये बढ़िया धंधा, अच्छा है इसका। AARON अरुण इंडस्ट्रीज, 121 करोड़। पहले धंधा दिखाओ, चलो आने दो धंधे को। इज मेनली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एलिवेटर्स एंड एलिवेटर्स पार्ट्स एंड स्टील पॉलिशिंग। ओके, तो एलिवेटर बनाने का काम करती है, जो लिफ्ट होती हैं लिफ्ट बनाने का काम करती है, ठीक है कंपनी। और रो 16 का है, ROE 17 का है, दैट इज़ गुड। ओहो, सेल्स ग्रोथ कंपनी का 28% का है और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 116% का है। इट इज़ वेरी वेरी नाइस, मतलब बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू मिक्स, एलिवेटर सेगमेंट से आता है तकरीबन 64%, जो पहले 86% आता था, और SS पॉलिशिंग से आता है 21%। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे देने का काम करते हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, द कंपनी हैज़ इन्हेंस द कैपेसिटी ऑफ प्रेस ब्रेक बेंडिंग मशीन एट कंपनीज यूनिट 2 बाय एडिंग 160 टन। ऑल्सो इट हैज़ इन्हेंस द कैपेसिटी ऑफ स्टेनलेस स्टील 8K मिरर पॉलिशिंग मशीन। इशू ऑफ बोनस शेयर, प्रोमोटर्स होल्डिंग, दैट इज़ गुड। प्रमोटर होल्डिंग 73% टू 74.9%, दैट इज़ गुड। द कंपनी इज़ फोकस्ड ऑन डेट रिडक्शन एंड इंक्रीजिंग वैल्यू एडिशन पर प्रोडक्ट, इट्स वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये बड़ी अच्छी खबर है। प्राइस टू बुक कंपनी का देखो महंगा है, 9 का है, कोई बात नहीं। अगर कंपनी का धंधा बढ़िया है तो महंगा खरीदने में भी कोई बुराई नहीं है, मेन चीज़ है कंपनी का धंधा अच्छा होना चाहिए। अरे भाई साहब, लॉन्ग टर्म चार्ट देखो ज़रा कंपनी का, यहाँ तक कुछ नहीं होता है कंपनी। अच्छा चलो एक चीज़ देखते हैं, अक्टूबर 20, 18 से देखो, 18 से 2020 तक कुछ नहीं हुआ कंपनी में, ठीक है। 18 से 20 तक कुछ नहीं हुआ, आखिर 20 में ऐसा क्या हो गया कंपनी में, और वहाँ से कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड है, करीब 6 गुना कंपनी हो गई है। डेटर्स डे इम्प्रूव हुए हैं, चलो डेटा में देखते हैं। 18 से 20 तक कुछ नहीं हुआ है, 20 के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ है? कंपनी का सेल्स 3 करोड़ से बढ़ के 2016 में जो था, बहुत सही चार्ट पर, मतलब बहुत सही डेटा है। 3 करोड़ से बढ़ के 11, 15, 21, 24, 31 करोड़, मतलब यहाँ से अगर मिलाओगे 2016 से तो 10 गुना हो गया कंपनी का, मतलब टॉप लाइन, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बहुत शानदार ग्रोथ है, सबसे अच्छी चीज़ है कंसिस्टेंसी, जो बहुत ज़रूरी होती है। अगर कंसिस्टेंसी है ना किसी कंपनी के अंदर, तो डेटा देखो कितना मज़ेदार है, हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अदर इनकम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत अच्छी नहीं है, नेट प्रॉफिट कंपनी का सेम वही चीज़ है यार भाई साहब। इसको परसेंटेज टर्म्स में तो कंपेयर नहीं कर सकते, परसेंटेज टर्म्स में करोगे तो बहुत ऊपर निकल जाएगा। 2019 से कंपनी 3 गुना हो गई है, 17 दुन्ना 34, टॉप लाइन डबल हुआ है। देखो मज़ेदार चीज़ देखो, टॉप लाइन डबल हुआ है,
और नेट प्रॉफिट 3 गुना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्जिन्स बढ़े हैं। देखो एकदम सीधी चीज़ है कि कंपनी का धंधे में केवल 2 गुने की वृद्धि हुई है लेकिन शुद्ध मुनाफे में 3 गुने की वृद्धि हुई। ये क्या कब हो सकता है? जब कंपनी अपने खर्चे में कटौती कर दे तब ऐसा होता है। और देखो यही हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% था पहले, वो बढ़ के 15% हो गया है, दिख रहा है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने धंधे में जो अपने वो थे एक्सपेंसेस उनमें कटौती करी है। लैपटॉप मेरा लग रहा है जल जाएगा, बड़ा गर्म हो गया। हाँ चेतन सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो, रात को इस समय अगर कंपनी मिल जाए ना ऐसी तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। चलो ये लास्ट कंपनी है, बस पढ़ के उसके बाद फिर हम SYC वाला कोर्स देखेंगे, ठीक है? बिस्तर पे लेटते हुए फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट है बढ़िया। अब थोड़ा सा और इसके अंदर चलते हैं कंपनी के, ठीक है? बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल ठीक है, थोड़ा सा शेयर कैपिटल लूज़ हुआ है और कायदे से लूज़ हुआ है, ठीक है ना? 2 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़, बट ठीक है कोई बात नहीं। बरोइंग्स कंपनी की बढ़ी हैं जो कि कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में ज़्यादा है, कोई बात नहीं। जब तक कंपनी प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर ले रही है तब तक कोई समस्या नहीं है। एक मिनट, ये कंपनी डेट फ्री तो थी नहीं? हाँ डेट फ्री नहीं थी। तो कंपनी में इंटरेस्ट कॉस्ट दिखाओ ज़रा, इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की कम हुई है, ऐसा कैसे भाई? अगर कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है 20 से 21 में, तो इसका मतलब यहाँ पे डेट कम होना चाहिए कंपनी का। डेट तो बढ़ा है, डिले कर दिया, अगली बार पे करोगे, ठीक है कोई बात नहीं। कैश फ्लो कंपनी का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज़्यादा नहीं होगा, जाहिर है 200 करोड़ का मार्केट कैप अगर है कंपनी का, 100 मतलब 100 करोड़ का मार्केट कैप, तो कैश फ्लो नहीं मिलेगा, उसके बारे में सोचना बेकार है। कैश कन्वर्जन साइकिल, अरे यार बैटरी सेवर, ओके ठीक है, कितनी होगी बैटरी? 30% है, चल जाएगी। कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का ठीक है, 140 के करीब है, और वर्किंग कैपिटल डेज कम हुए हैं, दैट इज़ गुड। रोज़ कंपनी का थोड़ा सा घटा है बट बहुत ज़्यादा नहीं, और मोर और लेस कंपनी स्टेबल रही है। मतलब रोज़ कंपनी के कम होने का क्या मतलब है? रोज़ कम होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने उधार ले लिया होगा या फिर इन्होंने अपना शेयर कैपिटल ज़्यादा डाल दिया। हाँ तो देखो ये एक चीज़ मज़ेदार है, क्यों? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? कैपिटल आता है 2-3 तरीकों से, या तो भाई तुम अपना क्या कहते हैं जो शेयर है वो लिक्विडेट कर दो, या तुम उधार ज़्यादा ले लो। तो इन्होंने उधार ज़्यादा लिया नहीं बट शेयर लिक्विडेट किए हैं, जो कि शेयर कैपिटल यहाँ बढ़ा है उससे पता चलता है, इस वजह से इनका रोज कम हुआ है, ठीक है? और मेजर डिफरेंस कहाँ आया है? मेजर डिफरेंस आया है 20 और 21 के बीच में, तो देखें ज़रा ये दिख रहा है, इसी वजह से ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। और मेजर डिफरेंस है 18-19 के बीच में भी, तो क्या 18-19 के बीच में यहाँ कोई मेजर डिफरेंस है? नहीं। उधार में मेजर डिफरेंस है? नहीं। ठीक, सो मोर और लेस बढ़िया है आर ओ इंडस्ट्रीज़। केवल एक चीज़ देखने वाली है जो कि है इनका लोन, ठीक है? तो जब तक टॉप लाइन बढ़ती रह रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वेदांत सर हाँ वो बैटरी सेवर मोड ऑन है, ठीक है, सो दैट मीन्स कि आरुण भी अच्छी कंपनी है, इसको रखना चाहिए पढ़ने के लिए। क्या नाम है पूरा? आरुण इंडस्ट्रीज। बढ़िया लग रहा है सेशन, ये वीकेंड पे तो इस तरह के सेशन होने चाहिए, है ना? ठीक है, यहाँ पे हो गया ख़त्म भाई आज का ये सेशन जो भी हो रहा था। कितनी देर का हुआ है अभी देखें ज़रा, कितनी देर से चल रहा है? अरे भाई 1 घंटे हो गए, पता नहीं चला हम लोगों को, 2 बजे के करीब शुरू किया था। ठीक है चलो अभी थोड़ा सा चिट चैट कर लेते हैं, रात का टाइम है, कोई और देखने वाला है नहीं। मैं चीज़ ये है कि एलिवेटर में बहुत पोटेंशियल है इंडिया में। ओके मेन चीज़ ये है कि एलिवेटर में, हाँ उसमें भी स्पेशली जो अर्बनाइजेशन हो रहा है ना उसमें तो मतलब हर जगह तो आ ही रहा है। सही है यश ब्रदर, तो थोड़ा सा और पहले देख लेना, ठीक है? ओके सो बेसिकली ये स्टडी का बिल्कुल एकदम लेमैन तरीका है, ठीक है? अब इससे ईजी नहीं हो पाएगा। धर्मेश ब्रदर, टेलीग्राम चैनल हम लोग का है, टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल नहीं है, बट वो क्लोज़ है, ठीक है ना? वो उसको हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है ब्रदर। आप अगर मेहनत करते हो, आप कंपनीज पढ़ते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना नहीं, ठीक है? अच्छा आप एक बात बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हो जो हमारे सेकंड चैनल पर नहीं हो अभी तक। सेकंड चैनल उठा लेते हैं, उसका लिंक दे देते हैं, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कितने लोग ऐसे हो जो सेकेंड चैनल से नहीं जुड़े हो?
आईटी सेक्टर पर हमारा व्यू भैया वो तो लाइफ टाइम फेवरेट है, उसको तो कभी भी उठाओ, ठीक है, ऑल टाइम फेवरेट है आईटी सेक्टर तो। अच्छा ये कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि वो इसके बारे में, एक मिनट वो आपको हम एक बार दिखा देते हैं, इसको इसको देख लेना यहाँ। कुछ स्टूडेंट्स थे ना आप में से जो कह रहे थे कि पढ़ाई के लिए टाइम, ये पर्टिकुलर वो जो है कहाँ गया वीडियो, 24 आवर्स वाला कहाँ गया? अरे एक मिनट, ये रहा, ये पर्टिकुलर वीडियो है 7 हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल, इसको थोड़ा सा देख लेना। तो इसके अंदर ना आपको फिर वो हैबिट्स मिल जाएंगी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टडी के लिए, कि जहाँ हम लोगों को दिन में मतलब हाँ ये कि सफिशेंट टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कैसे हम लोग दिन में इतना टाइम निकाल लेते हैं, तो उसका तरीका इन वीडियोस के अंदर है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये उसका लिंक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियोस पढ़ते हैं उसके अंदर, और अभी हम अगर 3 बजे सोएंगे तो सुबह 7 बजे उठ जाएंगे आराम से, ठीक है। कुछ ये सारी टेक्निक्स इन्हीं के अंदर दी हुई हैं इन वीडियोस के अंदर, अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा वहाँ, अगर देखिएगा नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि जो हम लोग के फेवरेट कुछ वीडियोज़ हैं उनमें यही है, एक तो ये है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके ये छोटा सा सेशन था, 10 PM to 6 AM स्टडी टाइम। ब्रदर अब सब कल करेंगे। जोमेटो के बारे में बताओ ना सर, डेनी रॉन्स्टन पूछ रहे हैं। यार देखो डेनी, मेरी बात ब्रदर ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो हम बताते हैं आपको, आपकी फेवरेट कंपनी के बारे में हम बताते हैं आपको, ठीक है। सोचो कि कितना बड़ा पाप कर रहे हो, रात के 3 बजे जोमेटो के बारे में पूछ रहे हो हमसे। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लो केवल, बस और कुछ मत देखो, कि ये कंपनी कितना मुनाफा करती है। देखो इसको, ये कंपनी क्या मुनाफा कर रही है, कंपनी लॉस में है पूरी तरह से, 5 साल से लॉस में है कंपनी। अब बताओ मतलब रात के 3 बजे जगा के यार तुम हमको जोमेटो दिखा रहे हो, हम लोग वो ढूंढ रहे हैं वैसी कंपनी, मोल्टेक पैकेजिंग जैसी कंपनी, आरून ढूंढ रहे हैं, एएसएम टेक्नोलॉजीज ढूंढ रहे हैं, इंटेक्स टेक्नोलॉजीज ढूंढ रहे हैं, यार जोमेटो दिखा रहे हो रात में, वो भी जाते जाते कर दिया है। पता है कैसा लग रहा है, जैसे मूँगफली खाओ खूब सारी और जो आखिरी मूँगफली बचती है उसको खाओ और अगर उसमें बालू आ जाए मुँह में, तो जो होता है ना वो हुआ है अभी अभी, ठीक है। इसी इसी वजह से न्यू कॉमर्स को, अभी किसी ने पूछा था ना कि टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, इसी वजह से न्यू कॉमर्स को टेलीग्राम ग्रुप में नहीं डालते हैं अपने। ठीक है प्रणय सर, होल्ड करके रखिएगा ब्रदर, थोड़ा सा चार्ट वीक है दैट वी नो, एक बार ऑटो सेक्टर वापस आता है तब फिर सुधरेगा हालत। गवर्नमेंट कर तो रही है कोशिश अब, बाकी सब कुछ तो पोलैंड में भी इश्यूज आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। ओके ब्रदर अब सेशन करेंगे क्लोज, पढ़ते रहिए सीखते रहिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ समझ लो, सोना अच्छी कंपनी है ब्रदर, होल्ड करके रखो। एक चीज़ ध्यान से समझना, हम लोग अभी 3 बजे अभी मतलब आधे घंटे और पढ़ेंगे, उसके बाद सोएंगे। आप सोचो कि लोग कितना पढ़ते होंगे, कुछ लोग अभी भी लगेंगे और वो पढ़ेंगे सुबह 4-5 बजे तक, उसके बाद सोएंगे,
और आप सोचोगे आप 10 बजे अगर पैर फैला के और बिस्तर पकड़ लेते हो और उसके बाद आपको मल्टीबैगर कंपनी मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, कचरा मिलेगा, यस बैंक की तरह, जोमेटो की तरह, वही उठा के पोर्टफोलियो में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा ब्रदर, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा, ये अटल सत्य है, ये जान लो ये। ठीक है, गुड नाइट चेतन ब्रदर, बढ़िया गया यार, अच्छा गया, 2-3 कंपनीज अच्छी दी हैं, बाकी वो जो 5 कंपनी थी उनको हम कल आफ्टरनून में कंप्लीट कर देंगे, करके उनको ऐड करना होगा तो ऐड कर लेंगे, रिमूव करना होगा तो उससे रिमूव कर देंगे अपना जो डेटा शीट है उससे। दिन में पावर नैप हाँ लेते हैं, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर की, ठीक है चलो, अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखना, खूब जम के पढ़ना, और सेकेंड